अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 7 धोरण 7 में अरबी का रिवीजन। तो बच्चों इस रिवीजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझना भी है और याद भी करना है कि हम क्वेश्चन पेपर में अच्छी तरीके से सवाल के जवाब लिख सके। तब हम रिवीजन को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सवाल नंबर 1 है, अरबी सवालों के अरबी में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, अइन तदरुसु उख्तुका, यानी तेरी बहन, उख्तुका तेरी बहन कहाँ पढ़ती है। ये तो मैं उर्दू में समझा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में है उसमें अरबी सवालों के अरबी में जवाब ही लिखने हैं, जिस तरह मैंने इस रिवीजन में लिखा है। तो मैं समझाने के लिए ख्याल है उर्दू में भी समझाऊंगा। सवाल नंबर 1, अइन तदरुसु उख्तुका, तेरी बहन कहाँ पढ़ती है। जवाब है, उख्ती तालिबतुन फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, यानी मेरी बहन दरमियानी मदरसे में तालिबा है, पढ़ती है। सवाल नंबर दो, अइन यदरुसु अखूका, तेरा भाई कहाँ पढ़ता है। जवाब नंबर 2, अखी तालिबतुन फिल मदरसतिल इब्तिदाईया, यानी मेरा भाई इब्तिदाई मदरसे में, यानी शुरुआती क्लास में, यानी शुरू की क्लास में पढ़ता है, यानी तालिब इल्म है, इब्तिदाईया शुरुआती क्लास। सवाल नंबर 3, अइन मकतबु अबी का, तेरे अब्बू का ऑफिस कहाँ है। अइन मकतबु अबी का, तेरे अब्बू का मकतबुन ऑफिस अइन कहाँ है। जवाब, मकतबुहु करीबुन, यानी उनका ऑफिस करीब है, यानी हमारे सबक में जो था कि उनका ऑफिस घर से करीब ही है, तो इसमें जवाब भी वही देना है कि मकतबुहु करीबुन, यानी उनका ऑफिस करीब ही है। सवाल नंबर 4, माज़ा तअमलु उम्मुका, तेरी अम्मी क्या काम करती है। तो जवाब है, उम्मी रब्बतुल बैती तनहज़ु कुल्ल यौमिन मुबक्किरन व तत्बख़ु लना अल-अक्ल, यानी मेरी अम्मी घर में घर की होम मिनिस्टर है। क्या है, मेरी अम्मी घर की क्या है, होम मिनिस्टर है। वो हर सुबह सवेरे उठती है और हमारे लिए क्या करती है, खाना पकाती है। सवाल नंबर 5, मादा यअमलु अबूका, तेरा अबू क्या काम करते हैं। तो उसका जवाब है, अभी मुहंदिसुन फी मकतबिन हुकूमियिन, यानी मेरे अबू सरकारी ऑफिस में क्या है, इंजीनियर है। आया समझ में बच्चों। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो बच्चों हम सवाल नंबर 2 देखेंगे, उसमें क्या है कि उर्दू से अरबी लिखिए। क्या है सवाल नंबर 2, क्या है सवाल नंबर 2, उर्दू से अरबी लिखिए। उसमें 10 मैंने अल्फाज लिख दिए हैं उर्दू के, उसका अरबी भी मैंने लिख दिया है, तो हमें खाली उर्दू से अरबी में समझना है। तो सवाल नंबर 2 में उर्दू से अरबी लिखिए। नंबर 1 है नाश्ता, उसका अरबी होगा अल फुतूरु, उर्दू में क्या है, नाश्ता, ये सवाल है, उसका उर्दू होगा अल फुतूरु। नंबर 2 है रात का खाना, क्या है बच्चों, रात का खाना, तो उसका अरबी होगा अल अशाउ। नंबर 3 है गोश्त, तो उसका अरबी होगा अद्दजाजु। नंबर 4 है दूध, तो उसका अरबी होगा अल्लबनु। नंबर 5 सब्जिया, जो सब्जी होती है वो, ये जमा है सब्जिया, तो उसका अरबी होगा अल खुजारु। नंबर 6 है कॉफी, जो कॉफी होती है वो, तो उसका अरबी होगा अल कहवतु। नंबर 7 है दोपहर का खाना, तो उसका अरबी होगा अल गदाउ। नंबर 8 है फल, तो उसका अरबी होगा अल फवाकिहु। नंबर 9 है चाय, और तो उसका अरबी होगा अश्शायु। और नंबर 10 है रस, और उसका अरबी होगा अल असीरु। आया समझ में बच्चों, ये बहुत ही आसान है, यानी जो अल्फाज उर्दू में है उसके अरबी में हमें मतलब लिखने हैं, तो इसमें से कोई भी 5 आएंगे। अब हम सवाल नंबर 3 को शुरू करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 3 जो है उसमें क्या है कि अरबी अल्फाजों को उर्दू अल्फाजों से मिलाइए, यानी हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है, जोड़ के जोड़ने हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या है, अरबी अल्फाजों को उर्दू अल्फाजों से मिलाइए। नंबर 1 है अल गदाउ, क्या है, अल गदाउ, उसका उर्दू होगा दोपहर का खाना, तो हमने इसे दोपहर के खाने के साथ मिला, यानी यहाँ पे देखो ये सवाल अरबी में है, उसके उर्दू में जवाब भी मैंने लिख दिया, यानी मैचिंग करना है। तो अल गदाउ, तो उसका सही आंसर दोपहर का खाना। नंबर 2 अल अशाउ, यानी रात का खाना, तो हमने उससे किसके साथ मिलाया है, रात का खाना, सही है। नंबर 3 है अद्दजाजु, यानी गोश्त, तो उसे हमने किसके साथ मिला है, देखो सही, गोश्त के साथ। नंबर 4 है अल असीरु, यानी रस, तो हमने किसके साथ मिलाया है, जी रस के साथ। नंबर 5 है अल फवाकिहु, यानी फल, तो उसे हमने फल के साथ मिलाना है, सही है। नंबर 6 है अश्शायु, चाय, तो हमने किसके साथ मिलाया है, जी चाय के साथ। नंबर 7 है अल कहवतु, यानी कॉफी, तो हमने कॉफ़ी के साथ मिलाया है, सही है। नंबर 8 है अलफतूरु, यानी नाश्ता, तो हमने किसके साथ मिलाना है, नाश्ते के साथ, जी। नंबर 9 है अल्लबनु, यानी दूध, तो हमने किसके साथ मिलाया है, दूध के साथ, सही है। और नंबर 10 है अलखुजारु, यानी सब्जियाँ, तो हमने
जी सब्जियां के साथ मिला रहे, तो ये इसी तरह हमें समझ के मैचिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसी तरह कोई भी पांच आएंगे तो हमें जो सही होगा उसी तरह, मैंने जिस तरह इसमें मैचिंग की है इसी तरह तुम्हें क्वेश्चन पेपर में से देखकर हमारी नोटबुक एग्जाम जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसी तरह पहले पांच सवाल लिख लेने हैं, उसके बाद जो सही आंसर है यानी सवाल भी लिखने हैं और जवाब भी लिखना है और इसी तरह करना है, फिर मैचिंग सही सही जवाब के साथ कर देनी है। अब हम सवाल नंबर चार देखेंगे। देखो बच्चों, सवाल नंबर चार जो है वो है वाहिद की जमा लिखिए अरबी में। क्या है बच्चों? वाहिद की जमा लिखिए अरबी में। यहाँ पे वाहिद के अल्फाज है और यहाँ पे जमा के अल्फाज है, यानी यहाँ पे सवाल है और यहाँ पे उसके जवाब। तो ये पांच है तो मैंने पांच जो दिए है वही दिए है, लेकिन ऊपर नीचे कर दिए है कि तुम्हें समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसी तरह नहीं आएगा, ऊपर नीचे आएगा, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझ लेना है। तो देखो मकतबुन, तो मकतबुन की जमा होगी मकातिबुन। मकतबुन वाहिद है और मकातिबुन उसकी जमा है। नंबर दो है तालिबुन, ये वाहिद है और उसकी जमा होगा तुल्लाबुन। नंबर तीन है हदीकतुन, उसकी जमा आएगी हदाइकुन, ये सवाल है और इसका जवाब। नंबर चार है बैतुन और उसकी जमा आएगी बुयूतुन। और नंबर पाँच है अखुन और उसकी जमा आएगी इख्वतुन। है समझ में? तो ये पांच मैंने पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम नहीं आएगा, ऊपर नीचे आएंगे, इसलिए तुम्हें समझ कर याद करना है। आया समझ में? अब सवाल नंबर जो पांच है वो बहुत ही आसान है, अरबी जुमलों को देखकर लिखे, यानी अच्छी राइटिंग में लिखना है, सुंदर अक्षर में लिखना है। तो जिस तरह क्वेश्चन पेपर में होगा उसी तरह हमें फेसबुक में जैसे लिखा है वैसे ही उतार लेना है। तो एक मरतबा खाली में पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, अल अबू मता तखरुजु मिन अल बैती, अल वलदु अस्सात तासिया इंशा अल्लाह। अल अबू أين شنطتك يا بني؟ الولد وضعتها في الرف أين ماما؟ آیا سمجھ میں؟ تو یہ عربی کے جو جملے ہیں اسی طرح اچھی رائٹنگ میں صاف صاف ہماری ٹیکسٹ بک کے پیج میں اتار لینا ہے۔ آیا سمجھ میں بچوں؟ تو یہاں پہ ہمارا ریویژن یہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو اسی طرح بالکل اچھی طریقے سے ہمیں ہماری نوٹ بک کے پیج میں سے ایک مرتبہ بالکل اچھی طریقے سے جس بکس میں آپ لوگ ٹیسٹ دیں گے اس میں रिवीजन एक मरतबा लिख लेना है। आया समझ में? तो आज का हमारा रिवीजन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।